तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइट ड्राइविंग 3D न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन बाइट ड्राइविंग 3D के ओल्ड वर्जन को ट्राई करने वाले और उन सभी वर्जन को 10 में से कितनी रेटिंग मिलेगी वो हम देखने वाले हैं। तो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर यही ट्राई करने वाले हैं और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, पहले मैं आपको लेटेस्ट वर्जन के बारे में बता देता हूँ हमारे जो इंडियन बाइट ड्राइविंग 3D का है। तो इसके अंदर मॉन्स्टर थार से लेकर साइकिल तक और साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक सभी के सभी चीट कोड्स अवेलेबल है। और लेटेस्ट अपडेट के अंदर हमें RGS टूल के अंदर हाउस एंड बिल्डिंग स्पॉन करवाने का भी चीट दिया गया है और जिसकी मदद से हम अपने हिसाब से अपनी सिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के अंदर निशान जीडीआर और कैडक स्टैनर के न्यू मॉडल को ऐड किया गया है जिसका चीट कोड है भाई 400 और ये होने वाला है जेडक स्टैनर का। और निशान जीडीआर का होने वाला है 3005 और ये व्हीकल्स भी काफी ज्यादा मस्त लगे। मैं इस वाले वर्जन को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा क्योंकि भाई इसके अंदर मुझे एक ही चीज मस्त लगी है, वो है भाई अपने हिसाब से सिटी को कस्टमाइज करना। बाकी हाँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बता देना कि आप इस वाले वर्जन को कितने में से कितनी रेटिंग दोगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्जन की तरफ। भाई ये है हमारा इंडियन बाइट ड्राइविंग 3D का 2 साल पुराना वर्जन और उस टाइम पे चैलेंजेस को ऐड नहीं किया गया था। तो ये रहा हमारे इंडियन बाइट ड्राइविंग 3D का 2 साल पुराना वाला घर जो कि मेरे को काफी ज्यादा मस्त लग रहा है क्योंकि उस वाले वर्जन के मुकाबले मेरे को ये वाला घर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी हाँ, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये वाला घर कैसे लगा। और भाई जैसे मैं इसके घर से बाहर निकलता हूँ और भाई साहब पूरी सिटी ही चेंज हो चुकी है और अभी के मुकाबले तब वाले वर्जन में इतनी ज्यादा बिल्डिंग नहीं थी और अभी के टाइम में भाई पूरी मैप के अंदर बिल्डिंग ही बिल्डिंग आ चुकी है। लेकिन भाई अभी भी हमारा जो फोन है वो बिल्कुल ही वैसा का वैसा ही है और मैंने बहुत सारे चीट कोड्स को ट्राई किया लेकिन उनमें से एक दो ही काम कर रहे हैं। बाकी हाँ, आप सिटी को भी देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा सही है और आपको इस वाले वर्जन के अंदर 3 ही गन देखने को मिलती है, पिस्तौल, AK-47 और RPG। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जैसे आप एक डायल करोगे तो आपके सामने जिंदा आदमी आ जाएगा, जैसे आप दो डायल करोगे तो आपके सामने जिंदा लकड़ी आ जाएगी। और बाकी मैं इस वाले वर्जन को 10 में से 8.5 की रेटिंग दूंगा। बाकी हाँ, आप भी कमेंट कर देना कि आप इस वाले वर्जन को कितने में से कितनी रेटिंग दोगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले वर्जन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला वर्जन और हमारा करेक्टर जो कि स्पोन हुआ है ओल्ड वाले हाउस में और इस वाले वर्जन के अंदर हमें बुगाटी चिरॉन और लेम्बोर्गिनी भी देखने को मिल जाती है जो कि भाई मेरे दोनों ही कार फेवरेट्स हैं और पता नहीं भाई इनको क्यों रिमूव कर दिया। बाकी हमें इस वाले वर्जन के अंदर 4 गन्स ऐड कर दी गई हैं और उनमें से जो न्यू गन है वो हमारी स्नाइपर है और इस वाले वर्जन के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है और इसके अंदर काफी ज्यादा न्यू चीट कोड्स को भी ऐड किया गया है। मैं इस वाले वर्जन को 10 में से 10 की रेटिंग ही दूंगा क्योंकि इस वर्जन के अंदर बुगाटी एंड लेम्बोर्गिनी जो कि भाई मेरे को इस गेम के अंदर काफी ज्यादा पसंद है लेकिन पता नहीं क्यों भाई इसको रिमूव कर दिया गया। कि आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बता देना और वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।